दोस्तों, आज जो हम कस्टमर के घर आए हैं और जो है पहला व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैलिनेटर का एसी है और इसमें जो है एरर E6 का एरर बता रहे थे, जो कि कम्युनिकेशन एरर था, आउटडोर की PCB का फॉल्ट था। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं क्या एरर है और फिर आपको दिखाते हैं क्या फॉल्ट। तो AC जो है हमने स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करने के इसका जब कंप्रेशर ऑन होने का जब टाइम आता है, ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद, तब जो है वो एरर आता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम आउटडोर यूनिट पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके लिए जो है हम एक नया PCB लेके आए हैं, वो नया PCB जो हम डालेंगे और दिखाएंगे आपको फॉल्ट कहाँ था। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और AC को जो हम ऑफ़ कर देंगे। हमने सिर्फ इसलिए ऑन किया था कि एक बार आपको दिखा दें कि AC ऑन है या नहीं, क्योंकि एरर जो है हमने देख ही रखा है। बाकी हम पहले इस AC पे आए थे, इस AC पे जो है हम पहले आ चुके हैं और इसकी जो है हमने PCB पेंडिंग करी थी। तो चलिए अब हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं इसमें फॉल्ट, आपको दिखाते हैं जो PCB चेंज करेंगे। तो अगर आप चढ़ने का रास्ता देखेंगे तो यहाँ से चढ़ने का रास्ता है और जो हमारे हेल्पर हैं वो PCB लेके पहुँच चुके हैं और ऊपर का जो है कैबिनेट भी खोल के रखा हुआ है। सिर्फ हमें जो है अभी PCB रिप्लेस ही करना है और दिखाते हैं आपको जो PCB था कहाँ से डैमेज था। कवर खोल लेते हैं एक बार, एक मिनट रुकिए। तो देखेंगे यहाँ से जो है PCB ब्लास्ट हुआ हुआ है यहाँ से और यहाँ से, तो हम इस PCB को डायरेक्ट चेंज ही कर देंगे। और ये देख सकते हैं हमारे पास ब्रांड न्यू दूसरा PCB है और इसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए खोल लीजिए PCB को। तो अभी जो है इसके हम स्क्रू खोल लेते हैं सारे और देखेंगे। काफ़ी गर्मी है आज, जो मौसम है बहुत ही ख़तरनाक है, गर्मी फुल है। और आज जो है हम सारे पहले जैक निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों ये नए वाली PCB है, यहाँ से हम ये कनेक्टर यहाँ से निकालेंगे। रहने दें, खोल दे ग्राउंड की वायर खोल। और जो है ये सेंसर है, ये बाद में हम डिसकनेक्ट करेंगे, पहले इसका फ़ैन का जो है हम इसका फ़ैन का जो है कनेक्शन निकालेंगे। ये रहा फ़ैन का, फ़ैन का निकालने के बाद हम इस पे से कैपेसिटर खोलेंगे, ये स्क्रू खोलेंगे, क्योंकि उस पे जो है कैपेसिटर साथ में नहीं है, इसका ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये खोल लेंगे, तो इसे पकड़ लिए, स्क्रू को निकाल लीजिए इसके अंदर से। और ये हमारा कंप्रेशर की जीक है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो जो भी दोस्तों काम करे सावधानी से करे, क्योंकि अगर हमारा एक भी जैक निकलता है या मिस होता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। नीचे के जैक को पकड़िए, इसको पकड़ के रखो, इसे ऐसे प्रेस करना, नीचे दबाना होता है, ये तब निकलता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये टाई लॉक खोलेंगे, इसका प्लास लेके आओ। तो PCB के जो है हमने कनेक्शन कर दिए हैं, देख सकते हैं। ये हमारा फ़ैन का मेन है जो हमारा PCB से आ रहा है, ये कनेक्टर लगा हुआ है। और ये हमारे कैपेसिटर के हैं, ये फ़ैन से सिर्फ 4 ही तारें आ रही हैं, ठीक है, नहीं कहीं में 3 होती है। तो यहाँ सीधे 2 कैपेसिटर के लिए और 2 मेन के लिए। और ये हमारा डिस्चार्ज का सेंसर का है जैक, देख सकते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज पर लगा हुआ है। और जो है हमारा ये रहा दूसरा सेंसर, ये हमारा सक्शन पे लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों, ये भी हीट सिंक जो हमारी कोयल रहती है उस पर नीचे लगा हुआ है। और ये रहा सेंसर हमारा, जिसका हमारा पीले वाला जैक है, जो कि हमारा बाहर का जो है टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है सेंस करता है, ठीक है। तो चलिए हम PCB को फिट कर लेते हैं और अभी हम बात करते हैं जो हमारी मेन वायरें होती हैं, ये वाली हमारी मेन वायरें होती हैं, क्योंकि इन्हीं पर जो है पूरा AC जो है चलता है। तो चलिए इन्हें जो हम लगा लेते हैं, बता देते हैं आपको कौन सी कहाँ लगेगी। तो दोस्तों जब भी आपको PCB में वायरिंग कनेक्शन में दिक्कत आए तो आप ये वायरें कहाँ पे लगानी है उधर कहाँ पे नहीं, वैसे यहाँ पे लिखा होता है, तो फिर भी अगर दिक्कत आती है तो ये वायरें पकड़िए और यहाँ पे देखिए PCB में कहाँ लगी है। तो देखेंगे यहाँ पे रेड कलर की वायर लगी है और यहाँ पे लिखा हुआ है AC लाइन, मतलब ये AC लाइन है, तो ये यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और दूसरी जो है हमारी ब्लू
यहाँ न्यूट्रल पे लगेगी, और वाइट कलर की जो ब्लैक कलर की पतली वायर होती है वो हमेशा हमारी कम्युनिकेशन होती है इंडोर से आउटडोर यूनिट के लिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो चलिए हमारा पीसीबी का प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो चुका है और इसे जो हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों पीसीबी फिट हो चुकी है और हम देखेंगे फाइनली इसे हम टेस्ट करेंगे और नीचे जाके देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। तो बाकी हम स्क्रू लगा लेते हैं, वो आप तो सभी को पता है कि कैसे स्क्रू लगते हैं। तो फाइनली जो है हमने सारा फिट कर दिया है और ये हमारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं और हेल्पर भी हैं, सारे जो हैं ये किरदार यही निभाते हैं। तो हमने एसी है कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना। हमारे एक नेक्स्ट सारे करना सारे जरूर हमारे एक दूसरा चैनल है एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, तो वहाँ पे जो है हम सारी वीडियो डालते हैं पीसीबी रिपेयरिंग की और एसी रिपेयरिंग की, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।